राम राम सभी को, जय माता की। और आज की शुरुआत हो रही है घेर से। मैं आई हूँ घेर में आलू भरने। आज है अष्टमी और 1 अप्रैल है, तो ये सुबह का टाइम है। हमने पूजा कर ली है तो वो तो इसलिए सुबह सुबह मौसम ठंडा होता है ना, बाल वाल धोए थे मैंने, तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया, मुझे ठंड लग रही थी। तो मैं आलू ले जा रही हूँ बॉईल करने के लिए, तो ले जा रही हूँ भर के, फिर बाद में कर लूँगी। और ये आज चलाना है मट्ठा, तो मैं ये दही परोंद रही हूँ चलावनी में। इसका मैं बना रही हूँ मट्ठा। लस्सी बन जाएगी, आज व्रत भी है तो लस्सी खा लें, पी लेंगे। गाइस आज है ना मन बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है, और बहुत अजीब सा भी लग रहा है आज। हम जो माएँ होते हैं क्या मांगते हैं अपने बच्चों के लिए? ये मांगते हैं ना कि भगवान हमारे बच्चों की लंबी उम्र करो, और या फिर हम सदा सुहागन रहे। जिसके पास बच्चे नहीं होते वो कहती है माँ मेरी गोद भर दो, बेटा होता है तो कहता है कहती है मेरे बेटे की लंबी उम्र करना, या फिर मुझे बेटी दे दो। वो मतलब एक औरत तो यहीं तक सीमित रहती है, वो यही सब कुछ मांगती है क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। तो वो भी पूजा करने आई थी, और उन पे 2 बेटे हैं, एक बड़ा एक छोटा था, और छोटा थोड़ा माइंड से थोड़ा ऐसा ही है। तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग के लिए जाता था, हमारे गांव से ही है। तो हमारा गांव है ना शहर, मतलब सड़क से जो है 1 किलोमीटर अंदर है। तो जो भी जॉगिंग पे जाते थे वो अर्ली मॉर्निंग वहाँ तक जाते थे। तो वो जॉगिंग करते करते वो रोड तक पहुँच गया, तो पता नहीं क्या बात बनी, वहाँ उसे कोई टक्कर मार गया और उसकी डेथ हो गई। तो जब उन्हें ये खबर मिली, जैसे गांव में खबर आई कि ये बात हुई है ऐसे ऐसे रोड पे, तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया है। और इतना दुख हो रहा है सुन के ये बात कि जो माँ नवरात्रों में 9 दिन पूरे व्रत रही है, डेली पूजा पाठ कर रही है, और वो यही तो मांग रही होगी कि मेरे बच्चे सही सलामत बने रहे, मेरा परिवार सही सलामत रहे, मैं सदा सुहागन रहूं। तो कितना दुख होता है, 11th क्लास में पढ़ता है वो बच्चा, पढ़ता था बोलूँगी वो बच्चा, और फॉर्म भर देते हैं ना गवर्नमेंट के लिए, पुलिस वुलिस के लिए उसने फॉर्म भी डाला था, तो उसी की तैयारी कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा दुख है। पता है मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और मैं पता है अपनी यूट्रस खो चुकी हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि इस बात को सुन के मुझे तो बहुत ही दुख हुआ, और भगवान ये दिन ऐसा ना दिखाए करे किसी भी माँ को। सही में बहुत दुख होता है, हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, मुझे भी प्यारे हैं, आपको भी प्यारा होगा, और उन पर क्या बीत रही होगी पता नहीं। और ये मेरे हबी जो है वो मार्केट से सब्जी लाए थे, व्रत की ही लाए थे। जैसे आज अष्टमी है तो हम लौकी के पकोड़े खा लेते हैं, और ये है पुदीना, साथ में धनिया है हरा, और ये है मीठा तेल है। वो भैंस भैंस जो है दूध नहीं दे रही ना, तो देशी घी इतना है नहीं, बच्चे रागी कर लेते हैं तो अब वो भी कम है, तो इस वजह से मीठा तेल मंगा लिया थोड़ा सा। तो पूरे 9 दिन हमने जो जलाई थी ना, तो वो मीठे तेल से ही जलाई थी, देशी घी था नहीं इतना। और वो भैंस जो है, भैंस की डिलीवरी अभी नहीं, कम से कम 4-5 महीने हैं उसे होने में, तो इसलिए मीठा तेल ही मंगा लिया हम लोगों ने। और मैं आ गई हूँ किचन में, और ये बना रही हूँ व्रत के आलू। ऐसे ही मठा चलाया मैंने आज, तो मठा डाल लिया इसमें, और पुदीना आया था, और पुदीना हरे धनिए की चटनी बना ली थी, तो बस ऐसे ही खाने का फरार बना रही हूँ। इसमें बस नमक डाल लिया है सेंधा, मतलब जो लाहौरी बोलते हैं ना, वो हमारे यहाँ लाहौरी बोलते हैं, और चटनी मिला ली बस, और कुछ नहीं, दही मठा और आलू ये, और इसमें थोड़ा सा भुना जीरा डाल लूँगी। तो ऐसे ही काम चला ले आज, थोड़ा मन दुखी था ना तो कुछ किया नहीं।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक भी दे दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हम लोग आ गए हैं घेर में, चारा गोदना है भैंस के लिए। आज थोड़ा बरसी ज़्यादा लेकर आए थे, दोबारा पानी लगाना है। उस दिन पानी लगाया था, पता नहीं क्यों पच गया सारा, बहुत जल्दी सूख गया, तो सोचा क्यों ना आज ज़्यादा काट ले चलें। तो सोच तो रहे थे आज शाम को ही पानी लगा दें, पर लगा नहीं पाए, कल ही लगाएंगे। तो मैं ये ना जो बासी बरसी होती है ना पहले की, एक दिन पहले की थोड़ी सी बच जाती है, तो इसे हम लोग पहले सानी में मिला देंगे तब गोदेंगे। वो सानी कर रहे हैं इधर, मैं ये हरा लेके जा रही हूँ उठा के। और आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ही एक्सरसाइज कर लूँ अपनी, मैं मशीन चला लूँ। सोचा नहीं आज पता है, क्योंकि इनका ये नौ व्रत रहे हैं तो इन्हें थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी और मैं चढ़ते उतरते रहती हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता। तो मैंने सोचा आज मैं ही चला दूँ, और वैसे ये ही गोदते हैं, मैं लगाती हूँ मूठा। तो आज मैंने चला दी और मेरी एक्सरसाइज भी हो गई। गाइस, अगर किसी को वज़न घटाना हो तो वो अपने अपने गांव चला जाए और ऐसे काम किया करे। तो अगर आपका ऑलरेडी वज़न कम ना हो जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। मतलब इस मशीन को चलाने से बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और देखिए ये क्या है, ये है गिड़ार। ये बरसी में हो जाती है, पता नहीं क्यों अपने आप ही हो जाती है। और बरसी की जो डंडी होती है ना वो बिल्कुल इस गिड़ार की तरह होती है और पता भी नहीं चलता, दिखती भी नहीं है, ये है ना अजीब सी। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक देना और कमेंट करना।